फाइन। तो कैसे हो आप सब? मैं हूँ सुमेरा एंड वेलकम टू माय चैनल सुपर स्टाइल्स। सो आज मैं आप सबको मेरा इफ्तार रूटीन शेयर करने वाली हूँ। इफ्तार में हम लोग क्या क्या करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं। सो अभी अभी 5 बज चुके हैं एंड असर की अज़ा हो रही है। सो असर के टाइम से हमारा इवनिंग रूटीन जो है शुरू होता है। तो अभी अज़ा हो रही है एंड शाम के वक्त हमारे घर के पास बहुत ही अच्छा मौसम होता है, देखिए आप लोग। एंड अभी मैं जाऊंगी नमाज़ पढ़ने। सो मिलती हूँ आप सबसे नमाज़ पढ़ने के बाद। सो नाउ इट्स 5:40। नमाज़ और कुरान मैंने पढ़ लिया है, तो चलिए देखते हैं किचन में क्या होगा। ये देखिए दूध उबलने के लिए रख दिया है मैंने। एंड फर्स्टली मुझे क्या करना होता है कि मुझे सुकंदी बनाना होता है। सो फर्स्ट मैं ले रही हूँ ग्लास एंड अभी मैं बनाऊँगी सुकंदी। सुकंदी बना के मैं फ्रिज में रख देती हूँ, डीप फ्रीज़र में, ताकि इफ्तारी टाइम में अच्छे चिल रहे। एंड ये देखो दूध उबल रहा है। एंड ऑफ कर देती हूँ एंड इसे ढापना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो मम्मा डांटेगी। अभी हम सुकंदी बना लेंगे। सो आज मैं एक रेसिपी बनाने वाली हूँ जो कि है क्रीमी चीज़ी टोस्ट। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना बिकॉज दिस रेसिपी इज़ सो गुड। मेरी बहन यहाँ पे कुछ केक रेसिपी बना रही है। इसका रेसिपी आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में जाके देख लो। सो ये है मेरी बहन। ओके, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे रख लिया है, ये देखिए जैसे कि चीज़ एक्सेट्रा। तो इस रेसिपी को बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। सो क्या बना रही हूँ आप? मैं आज इजी केक रेसिपी बना रही हूँ जो हर कोई बना सकते हैं। ये है चॉकलेट, ये है ब्रेड, क्योंकि मैंने बाजू के निकाल दिया। ओके, तो रेसिपी बता दोगी आप? नहीं 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 नहीं। ओके, तो बेसिकली तुम केक बना रही हो, तो इफ्तारी में देखूंगी कि मैं केक कैसे बनता है। ओके यस। तो आप कुछ बोलना चाहोगी? मैं नहीं, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो यार, बस यही बोलेगी ये। क्योंकि मुझे 64 सब्सक्राइबर्स ही है, अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो और भी बढ़ जाएगा। ओके बाय बाय बाय। एंड मैं यहाँ पे काट रही हूँ प्याज एंड कैप्सिकम फॉर द रेसिपी एंड देखते हैं क्या बनेगा। सो ये देखिए बन चुके हैं हमारे स्नैक्स। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, आई होप सो इट इज़ गुड, इट टेस्ट गुड, मैंने टेस्ट नहीं किया। तो ये है हमारी इफ्तारी के लिए स्नैक्स, हमने कुछ स्नैक्स रखा है एंड ये मैंने बनाया है। सो टाइम हो रहा है 6:25, तो जल्दी से हमें वजू बना के बैठ जाना। तो ये है आज की हमारी इफ्तारी, आलू के पकोड़े। ये देखिए आलू के पकोड़े विद टोमेटो सॉस, बहुत ही टेस्टी बना था। एंड यहाँ पे कुछ चटपटे स्नैक्स है एंड ये है सुकंदी। इस बार मैं सुकंदी सोडे के साथ पी रही हूँ, इट रियली टेस्ट सो गुड। एंड ये है मेरे स्नैक्स जो मैंने बनाया है। एंड अभी मैं इस टोस्ट को टेस्ट करने वाली हूँ, सो वाओ, इट इज़ सो यम, बहुत ही अच्छा बना है ये, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करो। रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड आई बटन में भी है, सो गो चेक इट आउट। एंड यहाँ पे है सुकंदी, आलू के पकोड़े, पॉपकॉर्न एंड और भी थोड़े चटपटे स्नैक्स थे। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग रमज़ान में इफ्तारी कैसे करते थे, क्या क्या स्पेशल बनता था आपके घर में। रोज़ कुछ ना कुछ बनता है हमारे घर में, तो इस तरह ख़त्म होती है हमारी इफ्तारी। एंड देन मैं
जाऊंगी नमाज़ पढ़ने, ऑफ कोर्स मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे एंड द डे कंटिन्यूस। सो आई होप कि आप सबको आज का मेरा इफ्तार रूटीन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट डाउन बिलो। सो दैट्स इट, बस इतना ही, छोटा सा वीडियो था बट आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @superstyles.11। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।